गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्कोव चेन। हमारा जो मेन मोटिव होगा वो इतना होगा कि नेट के एग्जाम में एक प्रॉब्लम आए, दो प्रॉब्लम आए, तीन प्रॉब्लम आए। हमारा टारगेट होगा कि हम तीन आएंगे तो दो प्रॉब्लम उसमें से कर लें और दो आएंगे तो दोनों उस प्रॉब्लम को टारगेट कर लें। एक आएगा तो वो टारगेट होना ही होना है, चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो पूरा जो लेक्चर होगा वो पूरा एग्जाम डोमिनेटेड होगा। वेरी गुड आफ्टरनून आशुतोष, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक एंड वेरी गुड आफ्टरनून अर्पिता। एक बार मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और मैसेज भेज देता हूँ, फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। और जितने भी PYQ अभी तक आए हैं 2015 से लेकर के 2022 तक, वो सारे मैं आपको अभी क्लास में कराऊंगा, ऐसा ना। सर क्या ये मार्कोव का एक क्लास ही मोर देन इनफ होगा? हाँ, मोर देन इनफ नहीं, मतलब अच्छा होगा। एक क्लास में काफी कुछ हो जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा नया प्रॉब्लम भी आएगा तो मैं आपको फॉर्मल चीजें दूंगा, वहां से भी वो टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ऐप पर नहीं होगा ये क्लास, ये वाला क्लास YouTube पर ही रहने देते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं ऐप में भी कर दूंगा, बट अगर आप यहाँ पर आप कर सको, कंफर्टेबल यहाँ पर हो जाओ, तो यहीं पे कर लेते हैं ना। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग ऐप पे जाओगे तो मैं कर दूंगा, अभी मुझे बता दो। चलो रुक जाओ, अलाउ मी अ मोमेंट। जस्ट हम लोग 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन तो ऑन ही है, मैं एप्लीकेशन पर और क्लास लगा दूं, रुक जाओ। मैंने ऐप पे लगा दिया, अब आप लोग चेक कर सकते हो ना, जो लोग एप्लीकेशन पे लेना चाहते हैं वो आप लोग ले सकते हो ना। ठीक है, मैंने कर दिया एप्लीकेशन पर, वहां पे भी रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार मुझे ये और क्लियर कर दो कि वॉइस, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है। Okay, thanks for letting me know. Okay, ठीक है। हाँ मुकेश, एक ही लेक्चर होगा, लंबा लेक्चर होगा, 3-4 घंटे का। 1 घंटे में मैं आपको पहले थ्योरी बता दूंगा विद एग्जांपल्स, उसके बाद सारे PYQ अभी क्लास में लगा लेंगे ना। देखो ये जो टॉपिक है मार्को चेन, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का या स्टोकेस्टिक प्रोसेस का आप बोल सकते हो। अगर बेसिक पे कमांड होती है तो ये टॉपिक पढ़ने में मजा आता है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत वास्ट टॉपिक है, इतना छोटा भी नहीं है कि मैं एक लेक्चर में खत्म करा सकूं। बट इफ आई शो यू द सिलेबस ऑफ CSIR नेट, वो सिलेबस बहुत छोटा है। उस सिलेबस में हमें बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। सिर्फ मार्को चेन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टेट्स का, साथ में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना 3 चीजें पढ़नी है, इससे ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी। इन तीन से हमारे प्रॉब्लम्स अच्छे से लग जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स आप में से जो भी पढ़ता हो या जिसने कभी पहले पढ़ी हो उनको पता होगा कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, और वो सारे के सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं या जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उन सब में वो लगाते हुए चलते हैं और सबके अलग अलग मीन या वेरिएंसेस वगैरह निकालते हुए चलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स का पैटर्न है, मैं आपको अभी सारे प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स का पैटर्न है वो बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड मतलब वो आपको बहुत लेंथी प्रॉब्लम नहीं देंगे या किसी प्रोसेस से उसको नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ का सीन थोड़ा सा अलग है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ इसका कि मार्को चेन्स होती क्या है, व्हाई दे कम इनटू पिक्चर। सपोज करो कि आप किसी कैसीनो में हो and there are 2 players, one is you and one is another one, so let's suppose there are 2 players A and B। ठीक है, कुछ amount है जो fixed dollar का है, let's suppose the amount is say x dollar, इतने dollars हैं जो distribute होने A और B में। लेकिन distribute कैसे होंगे, कुछ fixed rounds होंगे, जैसे ही वो round आप start करोगे तो हर एक round में A भी जीत सकता है B भी जीत सकता है। तो हर एक राउंड में आप इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट मी बी इन द कंफर्टेबल सिचुएशन। सपोज कि जैसे ही अगर ए जीतता है देन ए गेट्स $1 एंड बी गेट्स -$1। Similarly for V, if B wins, then A gets -$1 and B gets $1। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक ये अमाउंट पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, किसी एक साइड नहीं आ जाएगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस में आप एक चीज देखोगे कि इसके हर एक राउंड पे मैंने प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं करी, ये तो अमाउंट हो गया है ना, ये तो अमाउंट हो गया कि अगर ये जीतेगा तो इतना अमाउंट मिलेगा और बी को इतना अमाउंट देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी यू कैन से। बट ये नहीं लगाया मैंने कि एक जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो लेट सपोज प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस राउंड एन से पी। अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी पी है, सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी दैट ए लूजेस। ये नोट अगर आप नहीं भी करना चाहते तो चल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दिस विल बी 1 - P, लेट मी कॉल इट Q। सो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस दैट इज P एंड प्रोबेबिलिटी दैट ए लूजेस that its probability, say 1 minus p, that is very obvious. Say that quantity is q. Similarly, one can list for b. अगर मैं इसको a के लिए रन कर रहा हूं तो यू विल बी फीलिंग जो प्रोबेबिलिटी का नोटेशन है जनरली वो इस तरीके से दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी दैट xn plus 1 where let me denote what is xn. Suppose at another step A has xn amount, तो xn plus 1 जो होगा that will be, let's suppose xn plus 1 if A wins n plus 1th round. So this probability and probability that xn plus 1 is xn minus 1, A loses, or you can write B wins n plus 1th round. So this probability I have fixed P, this probability is 1 minus P. इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि अगर आपके पास सिर्फ प्रीवियस स्टेप है उतना इनफ है ना xn को फाइंड करने के लिए. क्या xn प्लस 1 किसी और प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा. दैट मीन्स कि ये ऐसा प्रोसेस है जो जस्ट प्रीवियस वाले स्टेप से निकाला जा सकता है, पूरी तरीके से कंप्यूट करा जा सकता है, ये और प्रीवियस डेटा पे डिपेंड नहीं कर रहा. देन सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड अ मार्कोव प्रोसेस और अ मार्कोव चेन और अ मार्कोव प्रॉपर्टी. तो मार्कोव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप किसी भी स्टेप पे लगाओ वो किसी भी प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड ना करके सिर्फ जस्ट प्रीवियस वाले पे डिपेंड करेगी हर एक स्टेप के लिए. देन वी विल से दिस प्रॉपर्टी इज अ मार्कोव प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज अ मार्कोव प्रॉपर्टी. तो मतलब समझ में आया मार्कोव प्रॉपर्टी का, जो जस्ट प्रीवियस वाले स्टेप पे डिपेंड करे और उससे प्रीवियस वाले स्टेप पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मार्कोव प्रॉपर्टी और मार्कोव चेन. अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का स्टेट स्पेस लेना चाहते हो. स्टेट स्पेस से मेरा मतलब है कि आप अपनी कंडीशन को डिस्क्रीट में रखना चाहते हो या यूनिफॉर्म में रखना चाहते हो. अपने सिलेबस में सिर्फ डिस्क्रीट है जिसमें फाइनाइट आ सकता है और काउंटेबल आ सकता है. ठीक है, वरुण अभी और बात करेंगे एग्जाम्पल्स की. आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हो. आपका कोई भी ऐसा गेम, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें चीजें सिर्फ प्रीवियस वाले स्टेप पर डिपेंड करें, उससे प्रीवियस वाले पे डिपेंड नहीं करे. आप नेचुरली भी सोच सकते हो. ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है मार्कोव प्रोसेस. इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी है x1 की वो j हो जब, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं. लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ xn बराबर j व्हेन xn माइनस 1 से in माइनस 1, xn माइनस 2 इज इक्वल टू in माइनस 2, x नॉट बराबर i नॉट कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग ओनली probability of xn बराबर j when xn minus 1 बराबर in minus 1. यानी कि ये जो xn के j होने की probability है ये xn minus 1 के in minus 1 होने के लिए ही enough है. you don't need xn minus 2 should be in minus 2 और x not should be i not. इसका मतलब ये होता है, इसको पढ़ते कैसे इस नोटेशन को, probability of xn बराबर j when we have already xn minus 1 is equal to in minus 1, xn minus 2 बराबर in minus 2 and x naught बराबर i naught. So this probability should be same as probability of xn बराबर j when xn minus 1 बराबर in minus 1. This should be true for all n bigger than or equal to 1. Then we will say the process is Markov or the chain is Markov. ठीक है, क्या हमारे परफॉर्मेंस इन स्टडीज भी हो सकता है मार्कोव प्रॉपर्टी। आप क्या चीज मतलब आपका वो क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बताओ, आई कैन वर्क आउट। आपकी चीजें सिर्फ प्रीवियस डेटा पे डिपेंड नहीं करेंगी, उससे प्रीवियस में जैसे स्कूल में एग्जाम्स देते हैं तो जब स्कूल में एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस टाइप की चीजें होती है, तो उसमें चीजें सिर्फ प्रीवियस वाले पे डिपेंड नहीं करती हैं और वे भी डिपेंड करती हैं जो और प्रीवियस दो हो चुके हैं। ठीक है, वरुण राज ये अलग अलग सिचुएशंस हैं, आप जिसमें भी सेट करना चाहो, जिसमें चीजें सिर्फ लास्ट वाले में डिपेंड करेंगी दैट विल वर्क, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस का रिजल्ट हमेशा ही आपको वो नहीं करेगा ना, इसीलिए तो वो चेंज होगा इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अभी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि सबसे जो जनरल स्टेटमेंट है दैट इज अ वेरी नेचुरल वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn प्लस 1 बराबर j when xn बराबर i, this is read as probability of going from i to j in one step, probability of going from i to j in one step। वन कहां से आ रहा है, इस xn में और इस xn प्लस 1 में 1 का डिफरेंस है, सो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम i to j इन वन स्टेप। सिमिलरली इफ आई राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ xn प्लस m बराबर j while xn बराबर i, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम गोइंग i to j इन m steps, इन m steps। सो दिस आइडिया मोटिवेट्स यू टू डिफाइन अ मैट्रिक्स जिसमें आप आई और जे का यूज कर सको, दिस मोटिवेट्स यू टू डिफाइन अ मैट्रिक्स जिसमें आप आई और जे का यूज कर सको। अगर ये आई और जे मेरे एक डिस्क्रीट स्पेस से आएंगे तो मेरी सिचुएशन बनेगी डिस्क्रीट मार्कोव चेन बनी। सो अगर मैं यहाँ पे एक चीज फिक्स करूं, देखो अभी जरा सा भी परेशान मत होना, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा चीजें हैवी हो रही है, मेरे ऊपर भरोसा करना, कम से कम 1 घंटा देख लेना आराम से, 1 घंटा, उसके बाद आपको जो भी जज करना है वो करना, अभी मत करना कुछ भी। आपको लगेगा कि टर्म्स नए हैं, क्योंकि मैथ्स वाले जनरली ये पढ़ते नहीं है, उनको फोर्सफुली पढ़ाया जाता है कि नेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पढ़ने हैं, तो सडनली एक दिन में नया टॉपिक पढ़ोगे तो हल्की फुल्की कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, बट जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, सो दिस मोटिवेट्स यू टू डिफाइन अ मैट्रिक्स बाय using I and j. So let me define a matrix in this way. P0 0, P0 1, P0 n, P1 0, P1 1, P1 n, Pn 0, Pn 1, Pn n। यहां पर Pij क्या डिनोट कर रहा है, दिस Pij इज डिनोटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ xn बराबर x1 बराबर j while x0 बराबर, सो ith स्टेज से jth स्टेज में फर्स्ट एक स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज डिनोटिंग दिस Pij। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ऑब्वियसली जो मैट्रिसेस होंगे वो इस सिचुएशन को इजी कर देंगे। This matrix is called transition matrix। अब ये जो मैट्रिक्स है अभी आप देख रहे हो कि n+1 क्रॉस n+1 का है, क्योंकि इसमें मैंने जो i और j की चॉइस है वो कहां से आ रही है, यू कैन फील 0 1 यहां से आ रही है। ये अपने आप में एक डिस्क्रीट सेट है, डिस्क्रीट सेट मतलब इसके एलिमेंट्स में डिस्टेंस है, तो अगर आप इस सेट को नेचुरल नंबर बना दोगे तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये काउंटेबली इंफिनिट ऑर्डर का बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी एक इन्फिनिट मार्कोव चेन होगी, और जब जब ये S सेट फाइनाइट होगा देन इट विल बी अ फाइनाइट मार्कोव चेन। it will be called as a finite Markov chain. अभी ये finite Markov chain है, it can be infinite Markov chain. I will give you examples later for infinite Markov chains as well. I'll give you. ठीक है, अब ये जो I और J है ना, इन स्टेजेस में बहुत कमाल की चीज है. जैसे मैं एक सिंपल सा रिलेशन आपको बता रहा हूं. पहली चीज, जब आप जीरो स्टेज से जा रहे हो फर्स्ट स्टेप में, आप जीरो वाली स्टेज पे जा सकते हो, फर्स्ट स्टेज पे जा सकते हो, टू स्टेज पे जा सकते हो, एन स्टेज तक जा सकते हो, क्योंकि आपके पास स्टेजेस जो है वो n+1 है, क्योंकि आपके पास जीरो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, टू स्टेज है, एन स्टेज है. आप जीरो से इनमें से किसी भी स्टेज पे जा सकते हो सकता है आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी के साथ जाओ, क्योंकि जीरो से जीरो पे जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो सकती है, जीरो से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो सकती है, जीरो से टू पे जाने की कुछ और हो सकती है, जीरो से n पे जाने की कुछ और हो सकती है. सो इफ आई राइट इन दिस वे, इज इट फाइन? अगर मैं ऐसे कुछ लिखूं, समेशन Pij, j इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n और इनफिनिट, अगर इनफाइनाइट है इट विल बी 1 फॉर ईच I बिलोंग्स टू 0 1 n. इसका मतलब क्या कि हर एक रो सम 1 होगा, क्योंकि 0 से 0 में जाने की प्रोबेबिलिटी, 0 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी, 0 से n में जाने की प्रोबेबिलिटी, अगर इन सबको सम अप करोगे, बेसिक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होगी. तो वो 0 से निकल करके या तो 0 में जाएगा, या 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, n में जाएगा. अगर आप सबको सम अप करोगे देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 1. सो ईच रो सम शुड बी अ 1. तो जब भी आप मार्कोव चेन का ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाओगे, उसमें हर एक रो का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा, because of the property of probability, वो हमेशा 1 होगा. कॉलम सम की कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी ऑफ कॉलम्स. ऐसे मैट्रिक्स जिनका हर एक रो सम 1 होता है उनको बोला जाता है स्टोकेस्टिक मैट्रिसेस. स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स मींस ईच रो सम इज 1. स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स मींस ईच रो सम इज 1. तो जब भी आप मार्कोव चेन का मैट्रिक्स बनाओगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो उसमें जितने भी रो होंगे उन सबका हर एक रो का सम जो होगा वो 1 हो. सो एवरी मैट्रिक्स कमिंग फ्रॉम मार्कोव प्रोसेस दैट विल बी अ स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स. ठीक है, अभी भी हम एग्जाम के क्वेश्चन के लिए पहुंचे नहीं है, अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, हाफ एन आवर. उसके बाद वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अब इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी कैसी है, अगर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल डिजाइन करूं, मान लो आपके पास एक पी मैट्रिक्स गिवन है व्हिच इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स, सपोज 1/2 0 1/2 0 1 0 0 1/3 2/3. तो ये किसी एक प्रोसेस, ये किसी एक नेचुरल प्रॉब्लम का मैट्रिक्स होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज से फर्स्ट स्टेज जाने पर जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है, फर्स्ट स्टेज से वन स्टेज पे जाने पे, सेकंड स्टेज पे जाने पे प्रोबेबिलिटी 0 है. तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर 0 1 2 लिखो या फिर आप 1 2 3 लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. इसका मतलब क्या है कि 0 से 0 स्टेप पे जाने पे प्रोबेबिलिटी 1/2, 0 से फर्स्ट स्टेप पे जाने पे प्रोबेबिलिटी 0, यानी कि आप 0 से फर्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते. 0 से सेकेंड स्टेप पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फर्स्ट स्टेज से 0 स्टेज पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, फर्स्ट स्टेज पे से फर्स्ट स्टेज पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, सेकंड स्टेज से 0 स्टेज पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, सेकंड से फर्स्ट पे जाने की 1/3, सेकंड से जाने की 2/3. इसको ना थोड़ा सा और इजी तरीके से ऐसे भी आप सोच सकते हो, जैसे आप यहाँ पर स्टेजेस बनाओ ना, जैसे आप 0 से 0 में जा सकते हो, तो पहले यहाँ पे 0 बना लो, दिस इज डिनोटिंग द 0 स्टेज. आप 0 से 1 में नहीं जा सकते, बट 0 से 2 में जा सकते हो, तो 2 को बनाओ यहाँ पर. इस पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. अब 2 पे आ जाओ, 2 से आप 0 पे नहीं जा सकते, 2 से आप 1 पे जा सकते हो, तो 1 को बनाओ यहाँ पे. और 2 से 1 पे आप 1/3 में जा सकते हो, 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ. ठीक है, और 2 से आप 2 पे जा सकते हो 1/2 प्रोबेबिलिटी, 2/3 प्रोबेबिलिटी के साथ. जब भी आप सेल्फ पे होगा तो आप हमेशा इस तरीके से एक लूप बनाओगे. तो दिस इज डिनोटिंग कि आप 2 से 2 पर 2/3 प्रोबेबिलिटी में जा रहे हो. अब 1 बचा, तो 1 से 0 पे नहीं जा सकते, 1 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे नहीं जा सकते, तो 1 से 1 पे जाने के लिए प्रोबेबिलिटी 1. आपको दिख रहा होगा जैसे भी किसी भी रो में 1 आ गया ना, उसकी सारी एंट्री 0 हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ ईच रो सम इज 1. और प्रोबेबिलिटी है तो नेगेटिव कभी होंगी नहीं, एंट्री हमेशा क्लोज्ड 0 क्लोज्ड 1 के बीच में ही आएंगी। ये जो मैट्रिक्स होगा ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसकी जो एंट्रियां होंगी वो क्लोज्ड 0 से क्लोज्ड 1 के बीच में ही आएंगी, इनके अलावा कोई भी एंट्री नहीं आएगी बिकॉज ऑफ ईच रो सम इज 1। तो ये इसका डायग्राम है, यहां से ये चीजें पता लगती हैं कि आप 0 से 2 में जा सकते हो बट 2 से 0 में लौट के वापस नहीं आ सकते, यानी कि 2-0 एंट्री जो होगी वो 0 होगी। आप 2 से 2 में वापस आ सकते हो, 2 से 1 पे जा सकते हो, अच्छा ये ठीक है 2 से 1 पे जा सकते हो बट 1 से 2 पे वापस नहीं आ सकते, तो 1-2 एंट्री 0, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, उसका भी ये डायग्राम बनाएंगे, इसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन, इसको बोला जाता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। इसमें और चीजें समझते हैं, व्हाट एल्स वी कैन थिंक ऑफ। देखो ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तो ये अपन को हेल्प करेगा ना। आप 0 से 2 में एक स्टेप में जा सकते हो क्योंकि डायरेक्ट पहुंच रहे हो। आप 0 से 2 में 2 स्टेप में भी जा सकते हो, 2 स्टेप का मतलब क्या है, पहले आप 0 से 2 में आए फिर आपने 2 से 2 पर एक खुद ही राउंड ले लिया, तो 0 से आप 2 पर 2 स्टेप में पहुंच सकते हो, ठीक है। 0 से 2 में आप 2 स्टेप में पहुंच सकते हो। अभी मैं इसको और एलिबरेट करूंगा इसी एग्जांपल में। आप 2 से 2 पर 1 स्टेप में जा सकते हो, सिर्फ 1 स्टेप नहीं, 2 से 1 पर आप 1 स्टेप में जा सकते हो या 2 स्टेप में जा सकते हो, 2 से 1 पर 1 स्टेप, 1 से 1 में 1 स्टेप। अगर मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं एक बार फॉर द टाइम बीइंग, लेट मी स्क्वायर इट। अगर मैं पी स्क्वायर फाइंड करूं तो कितना आएगा, तो इस रो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता होगा ना, इस रो का इस कॉलम में जब मैं करूंगा आई विल बी गेटिंग 1/2 स्क्वायर, ठीक है। इस रो का मैं इसमें करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 1/6। इस रो का जब मैं इसमें करूंगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3, ठीक है ये आएगा। जब मैं इस रो का इसमें करूंगा मेरे पास 0 आएगा, इसका इसमें करूंगा तो 1 आएगा, इसका इसमें करूंगा आई विल बी गेटिंग 0। जब मैं इसका इसमें करूंगा तो ये 0 इसमें जाएगा, ये इसमें 0, इसमें इट विल बी 0। इसका मैं इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 1/3 प्लस 2/9। इसका मैं इसमें लगाऊंगा तो इसका 0, ये बनेगा आपके पास 4/9, ठीक है। ये आपका पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। मान लो इसमें If I want to find P02 at 2, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम गोइंग 0 to 2 इन 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप्स में आप कैसे जा सकते हो, 0 से 2 में और 2 से 2 में, तो ये कैसे जाओगे, 0 से 2 में जाने के लिए 1/2 इन 2 से 2 में जाने के लिए 2/3। द आंसर विल बी 1/3, द आंसर विल बी 1/3, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। Just 1 second, huh? Just let me verify this matrix. जब आप इस रो का इस कॉलम में करोगे तो 1/2 का 1/2 में आके 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारी जगह 0। इसका इसमें करोगे तो 1/2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, 1/2 का इसमें करोगे तो 1/6, ठीक है। इसका आप इसमें करोगे तो 1/2 का 1/2 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का करोगे 2/3 में 1/3 कितना होगा, ठीक है। क्या कोई और तरीका है अपने पास जाने का, नहीं, ठीक है। एक सेकंड, चलो मैं आता हूं इस पे ना, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दिस मैट्रिक्स। यहां तक अभी तक हमने ये देखा है कि ये जो स्टेप्स हैं ये किस तरीके से कवर हो रहे हैं, है ना। 0 से 2 में हम 2 स्टेप में जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली जाएंगे या फिर इस तरीके से जाएंगे। एक बार इस एंट्री को मैं कंप्यूट कर लूँ, ये कितना आ रहा है, विल बी 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3, इट विल बी 12 एलसीएम। यहाँ पे सर्वाइव करेगा 3 प्लस 4, इट विल बी 7/12, ठीक है, ये इतना आएगा। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, लेट मी एक्सटेंड दिस एग्जाम्पल। सपोज मैं पी मैट्रिक्स लेता हूं, थोड़ा सा लार्ज करते हैं उसको, 1/5, 1/5, 1/5, 1/4, 1/4 and 1/4 and 1/4, 0 1 0 0 0 0 1/2 1/2 0 0 0 1, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में देखो तो इस सिचुएशन में अगर मैं स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, लेट मी कॉल इट 0 1 2 3, दिस इज 0 1 2 3। तो 0 से मैं किस किस में जा सकता हूँ, 0 से मैं सब में जा सकता हूँ ना। तो यहां पर बनाओ 0, यहां पर बनाओ 1, यहां पर बनाओ 3, यहां पर बनाओ 3, दिस 2, दिस 3। अब मैं 0 से 1 में जा सकता हूं 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। अब 1 के साथ 1 में मैं सिर्फ 1 पे जा सकता हूं, कहीं और नहीं जा सकता 1 प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। 0 से मैं 2 में जा सकता हूं, ठीक है। 0 से मैं 3 में जा सकता हूं और सब में 1/4 प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बाद जब मैं 2 में आ रहा हूं तो 2 वाले में मैं 2 से 2 में जा सकता हूँ और 2 से 3 में जा सकता हूँ। तो 2 से 2 में जाने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 से 3 में जाने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। उसके बाद 3 से मैं सिर्फ 3 में आ सकता हूँ, कहीं और नहीं जा सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। एक बार मुझे ये क्लियर करो, ये जो डायग्राम है सही है क्या, ये डायग्राम सही है, इज दिस डायग्राम फाइन, क्या ये क्लियर है। फिर उसके बाद में प्रीवियस वाले पे आता हूँ। आप में से किसी ने कमेंट कराया कि सर आपने 0 पे लूप नहीं बनाया, इसीलिए, है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस वाले में आप में से मुझे किसी ने बताया कि आपने 0 पे लूप नहीं बनाया। 0 पे अगर मैं लूप बनाऊं तो 0 पे मेरा लूप बनेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब मुझे P0 of 2 फाइंड करना है 2 स्टेप्स में। तो 2 स्टेप में मैं कैसे निकालूंगा, 0 से 0 में जाऊं 1/2, फिर 0 से 2 में जाऊं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या पॉसिबल है कि मैं 0 से पहले 1/2 में जाऊं, सॉरी मैं 0 से 2 में जाऊं 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ, इन 2 से 2 में आऊं 2/3 प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आपके पास आएगा 1/4 प्लस 1/3, इट विल बी 7/12। नाउ इट्स फाइन। तब आप देख रहे होगे कि 0 से 2 स्टेज में जाना है मुझे 2 स्टेप के अंदर, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/12। सेम ये एंट्री भी कितनी है, 7/12। यानी कि यहाँ पर ये जो स्टेप्स है ना, ये मैट्रिक्स की पावर के साथ कोइंसाइड करते हैं। सो दैट इज नॉट अ वीक रिजल्ट। मतलब जब भी आप किसी भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कुछ फाइनाइटली मैनी स्टेप्स में जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके उसकी जो एंट्री है उसको निकाल सकते हो। देखो व्हाट आई डिड, 0 से 0 में आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे 2 स्टेप में जाना है, ना तो एक स्टेप कंसीडर करना है ना 3 स्टेप करना है। 0 से 0 में मैं एक स्टेप में आ गया तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर 0 से 2 में जाऊंगा तो 2 स्टेप कंप्लीट होगा और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2 × 1 प्लस। फिर मैं 0 से पहले 2 पे गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर 2 से मैं 2 में आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। सो टोटल काउंट करोगे तो 1/4 प्लस 1/3, सो इट विल बी 7/12, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि P ऑफ जीरो से जीरो में आपको दो स्टेप में आना है, तो जीरो से जीरो में दो स्टेप में कैसे आओगे, क्योंकि जीरो से अगर आप चले गए तो वापस तो नहीं आ सकते, तो जीरो से जीरो में एक बार 1/2 खुद में, फिर एक बार और आओगे तो दो स्टेप में आओगे, तो ये एंट्री इस एंट्री के साथ कोइंसाइड करेगी। ये एंट्री कौन सी है, P00 दो स्टेप, ये कौन सी है P10 दो स्टेप, P20 दो स्टेप। अब समझ में आया कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। हाँ, थ्री भी कर सकते हैं अगर एग्जिस्ट करेगा तो, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, और वो पी क्यूब के साथ कोइंसाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज छोटा सा नोट डाउन करके ये लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ xn+1 बराबर j while xn बराबर i, और यहां पर m कर दो, सेम एज pij की एंट्री की पावर m। ये pij क्या है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स में ij एंट्री, और pij की पावर m का मतलब कितना है, इसका मतलब है ijth एंट्री इन p टू द पावर m, ijth एंट्री इन p टू द पावर m। ठीक है, सेल्फ लूप का मतलब है जैसे आप जीरो स्टेज से जीरो स्टेज में 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहे हो, तो जीरो से जीरो में एक 1/2 प्रोबेबिलिटी का लूप जो कि सेल्फ लूप है। यहां से आप देखोगे टू से टू में आप 2 से 3 2/3 से जा सकते हो, तो 2 से 2 में 2/3 प्रोबेबिलिटी का एक लूप। ठीक है, चलो अभी इनका बहुत यूज होगा है ना, हर प्रॉब्लम में यूज होगा ऑलमोस्ट। एक और ट्रांजिशन डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन डायग्राम। अब इसमें आप ये चीज भी सोच रहे होगे कि अगर हम लोग ये देखें कि हम कहां से कहां पे जा सकते हैं और कहां से कहां पे वापस आ सकते हैं, सो दोज आर कॉल्ड कम्युनिकेटिंग स्टेट्स। सो लेट मी डिफाइन कम्युनिकेट, कम्युनिकेटिंग स्टेट। I, j belongs to S are called communicating if Pij at n is positive and Pji at m is positive for some n, m belongs to natural numbers union 0। अगर मैं कुछ फाइनाइटली मैनी स्टेप में i से j में जा सकता हूं और फाइनाइटली मैनी स्टेप्स से j से i में आ सकता हूं, देन वी विल कॉल दैट i एंड j आर कम्युनिकेटिंग, देन वी विल कॉल i एंड j आर कम्युनिकेटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से आप 0 से 1 में जा सकते हो, बट 1 से 0 में कभी भी नहीं आओगे, आ ही नहीं पाओगे, तो 0 और 1 आर नॉट कम्युनिकेटिंग। 0 से 2 में जा सकते हो, बट 2 से 0 में आप ना तो ऐसे करके आ सकते हो ना ऐसे करके आ सकते हो, तो 0 और 2 आर नॉट कम्युनिकेटिंग। बट 2 से 3 में आप 2 से 3 में जा सकते हो और यहां से वापस नहीं जा सकते, सो दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग। तो यहां पर कोई भी स्टेट कम्युनिकेटिंग नहीं है। बट यहां पर अगर मैं इस प्रीवियस एग्जाम्पल में देखूं, सो प्रीवियस एग्जाम्पल जो था 0 से 2 2 से 2 2 से 1 1 से 1, तो यहां पर जो कम्युनिकेटिंग स्टेट्स होंगी आप देखोगे कि यहां से भी आप 0 से 2 में जा सकते हो बट वापस नहीं आ सकते, 2 से 1 में जा सकते हो बट वापस नहीं आ सकते, तो यहां पर भी कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा। सो लेट्स मेक वन एग्जांपल वेयर वी आर हैविंग सम कम्युनिकेशन। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने यहां पर एन और एम को लिखा है नेचुरल नंबर यूनियन 0, तो अगर आप p की पावर 0 मैट्रिक्स बनाओगे तो p की पावर 0 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कितना है कि हर एक पी आई आई एंट्री होगी 1, यानी कि आप i से i स्टेप में i से i में 0 स्टेप में जा सकते हो, यानी कि i और i आपस में हमेशा कम्युनिकेट करेंगे। आप i से 0 में, i से i से वापस 0 में, तो जो कोई भी स्टेट होगी वो खुद से हमेशा कम्युनिकेट करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अगर आप इसमें कम्युनिकेशन देखो तो आप 1 से 2 पर जा सकते हो, 2 से ये येलो वाला निशान यहां आएगा, आप 1 से 2 में जा सकते हो और 2 से 1 में वापस आ सकते हो, नो इशू। तो 1 और 2 कम्युनिकेट कर रही हैं। आप 1 से 3 में जा सकते हो, हाँ 1 से 2 में गए, 2 से 3 में आए और 3 से 1 में वापस भी आ गए, तो 1 और 3 भी आपस में कम्युनिकेट कर रही है और 3 से 1 पे तो आ ही सकते हो। सो यहाँ पर हर एक स्टेट कम्युनिकेट कर रही है। अच्छा, जो ये कम्युनिकेशन है ना, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट और ये आपको ना बहुत कुछ देके जाएगा। अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं, डिफाइन अ रिलेशन ऑन एस, एस जो है वो ट्रांजिशन स्टेट स्पेस है जहां से आप आई और जे चूज कर रहे हो। आई एंड जे आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ आई एंड जे आर कम्युनिकेटिंग। आप क्या फील कर सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिलेशन हो। अगर मैं डिफाइन करूं आई इज रिलेटेड टू जे इफ एंड ओनली इफ आई एंड जे आर कम्युनिकेटिंग, तो कैन यू फील दिस इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिलेशन। व्हाई दिस इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिलेशन, सुनना अच्छे से। अगर आई और आई आपस में हमेशा कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मैं p की पावर 0 ले सकता हूं ना, उस केस में हर एक p i i 1 बन जाएगा। तो आई आई से हमेशा कम्युनिकेट करेगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। सिमेट्री के लिए अगर आई जे से कम्युनिकेट कर रहा है तो जे भी आई से करेगा बिकॉज कम्युनिकेटिंग होंगी। कम्युनिकेटिंग का मतलब ये है कि आई से जे में और जे से आई में वापस आप आ सकते, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव, अगर आप आई से जे में जा सकते हो और जे से टी में, तो टी से जे में आ सकते हो और टी से आई में भी वापस आ सकते हो। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिलेशन, दिस इज equivalence class of relation। equivalence class of relation होगा तो ये आपके S को break कर देगा disjoint equivalence classes में, और equivalence disjoint classes में break करेगा तो you can always see that this S can be thought as union of AI, this is disjoint union, एंड इसको ऐसे लिख देते हैं क्लास ऑफ आई, आई इज वेरिंग ओवर एस। जितने भी स्टेजेस हैं उन सबकी क्लासेस लिख सकते हैं और वो हमेशा डिसजॉइंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस वाले एग्जाम्पल में क्लासेस देखनी है तो मुझे क्लास ऑफ आई की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे क्लास ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, वो सारे आप जे लोगे कहां से, स्टेट स्पेस एस से, जो कि 1 से रिलेटेड होंगे। 1 से रिलेट मतलब जो 1 से कम्युनिकेट करेंगे, तो 1 से कौन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं। इसकी स्टेट 1, 2, 3, तो ये इसका आ गया डिसजॉइंट क्लासेस में रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो डिसजॉइंट क्लासेस में रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका अलग क्लासिफिकेशन है। अगर सिर्फ आपके पास एक ही क्लास आ रही है हर एक एलिमेंट की, देन वी विल कॉल दिस एज एन इररिड्यूसिबल मार्कोव चेन। तो अगर मुझे इसकी डिसजॉइंट क्लासेस लिखनी है तो मुझे लिखना होगा क्लास ऑफ 0, तो 0 किस से कम्युनिकेट कर रहा है, सिर्फ 0 से कर रहा है। क्लास ऑफ 1 सिर्फ 1 से कम्युनिकेट कर रही है। क्लास ऑफ 2 जो है वो सिर्फ 2 से कम्युनिकेट कर रहा है। क्लास ऑफ 3 जो है वो सिर्फ 3 से कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहां पर कोई भी एक क्लास दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रही। जब भी ये एक से ज्यादा क्लासेस आएंगी वी विल कॉल इट रिड्यूसिबल, एक आएगी तो इरिड्यूसिबल। लेट मी राइट फॉर्मल डेफिनेशन। रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन। A Markov chain on a discrete space S is called irreducible if every stage communicate to every other stage. Otherwise, we call it reducible. तो जो नंबर ऑफ डिसजॉइंट क्लासेस होंगी, अगर वो 1 हुई देन वी विल कॉल इट इरिड्यूसिबल, अगर वो 1 से ज्यादा हुई वी विल कॉल इट रिड्यूसिबल। तो आपको देखना है कि टोटल कितनी आपके पास डिसजॉइंट क्लासेस बन रही है। अगर 1 बन रही है वी विल कॉल इट इरिड्यूसिबल, और 1 से ज्यादा बन रही है वी विल कॉल इट रिड्यूसिबल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी का? एनीवन? सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ नहीं आई? क्यों आपने इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं पढ़ा? इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि आई की क्लास में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो आई से रिलेटेड होंगे। तो आई और रिलेशन क्या है? कम्युनिकेशन। तो क्लास ऑफ आई का मतलब होगा कि वो सारे स्टेज आएंगे जो आई से कम्युनिकेट करेंगे। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं ना, लेट मी टेक वन नाइस एग्जांपल। अगर मैं एक पी मैट्रिक्स डिफाइन करूं 0 1 0 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 1 0 0 0 1 0 0, कैन यू राइट फॉर दिस कि इसमें कौन कौन सी कम्युनिकेटिंग क्लासेस होंगी? इसके लिए आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। पहले आप यहाँ पे 0 बनाओगे, 0 किसके साथ, किसके पास प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है? 1 के पास, तो 1 यहाँ बना लो। तो 0 से 1 में आप जा सकते हो, फिर 1 से 0 में आ भी सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी 1, ये प्रोबेबिलिटी 1। उसके बाद आप 1 से किसी और में नहीं जाते, 1 खत्म हो गया, अब 2 बनाओ। सो 2 से आप 4 में जा सकते, सॉरी 3 बनाओ, 2 बनाओ। 2 से आप 3 में जा सकते हो, तो यहाँ 3 बना लो, तो यहाँ से आप इधर जा सकते हो, और 3 से आप 2 में आ सकते हो, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 0 1 2। तो यहां पर यू विल बी फीलिंग कि इस सिचुएशन में अगर मैं क्लास ऑफ 0 लिखूं तो 0 मतलब वो सारे स्टेजेस लेनी है मुझे जो 0 के साथ कम्युनिकेट करेंगी। तो 0 से 1 में जा सकता हूं, 1 से 2 में, बट 0 से 3 में नहीं जा सकता मैं। तो 0 की क्लास में 0 एंड 1, और सेम यही क्लास बनेगी 1 की भी। और हर एक क्लास जो होती है वो खुद को तो कंटेन करती है ना एज एन एलिमेंट। अगर आप क्लास ऑफ ए देखोगे तो ए हमेशा उसका मेंबर होगा। क्लास ऑफ 2 मतलब 2, 3, and this is same as class of 3. So this is reducible Markov chain. This is reducible Markov chain. This is reducible Markov chain. अब सही है, ठीक है? So this will be a reducible Markov chain. Let me give you some more classification of Markov chains. रिकरेंट और ट्रांसिएंट, रिकरेंट और ट्रांसिएंट। A Markov chain is called or state I, where I belongs to S, is called recurrent if there exists some n from natural number such that PII is positive. Okay, नहीं, PII नहीं आएगा. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ ना डेफिनेशन को. देखो इसको लिखो, व्हाट डज इट से कि आप किसी भी स्टेट आई को रिकरेंट कब बोलोगे, जब आई से आप किसी भी स्टेट जे पर जा रहे हो और उस जे से आई पर आने की श्योरिटी आपके पास हो. इसकी एक और डेफिनेशन है, कुछ और क्राइटेरियाज है वो मैं अभी आपको लिखाऊंगा. सो रिकरेंट का मतलब कि आई से जे पर आप जाओ और जे से आई पर वापस आ सको, देन वी विल कॉल इट रिकरेंट. That means the returning is sure कि आप किसी भी I state से किसी भी दूसरी state पर जाओ और वापस आ सको. Then it will become a recurrent one. और अगर ऐसा नहीं हुआ then it will become transient one. Otherwise it is called transient. For an example, suppose this P matrix is looking like 0 1 0 1 0 0 1 by 2 0 1 by 2. Can you tell me कि इसमें से तीन स्टेट बनेंगी, स्टेट 1 0 1 2. इनमें से कौन कौन सी रिकरेंट होंगी और कौन कौन सी ट्रांजिएंट होंगी? कैन यू लिस्ट? हाँ जी, अगर आप इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाओगे तो वो कैसा नजर आएगा? पहले उसको डिजाइन कर लेते हैं. यहाँ पे आपने जीरो लिखा, जीरो से आप जीरो पे नहीं जा सकते, जीरो पे वन वन में जा सकते, तो यहाँ वन बना लेते हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से जाएगा. आप वन से वन में आ सकते हो खाली. सो वन से ये लूप बना लिया. ठीक है, और वन से और किसी में नहीं जा सकते, यहाँ पे टू बना लेते हैं. आप टू से जीरो पे जा सकते हो और टू से टू पे जा सकते हो, तो टू से जीरो पे, तो इनमें से कैन यू टेल मी कि 0 1 2 कौन कौन सी रिकरेंट होंगी? जी आप सब लोग आंसर करो. अभिषेक ने बोला कि 0 और 1 रिकरेंट होंगी. गुड आफ्टरनून दिव्या शर्मा और शुभदीप बोल रहे हैं 0 एंड 1. स्वाति बोल रहे हैं 1 से 0 पे जा सकते हैं ना? नहीं, रिकरेंट का मतलब है कि जब जब आप आई से जे पे जाओ तो जे से आई पर जाने की श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए. मान लो आप 0 से 1 पे चले गए, क्या 1 से वापस 0 पे आ सकते हो? आ ही नहीं सकते. सो 1 is transient, sorry 0 is transient. वन को अगर आप देखोगे तो वन से आप जीरो पे तो जा नहीं सकते, वन से आप टू पे जा नहीं सकते, तो वन से वन पे आ सकते और वन से वन पे वापस भी आ सकते, तो दिस विल बिकम दिस इज ट्रांजिएंट, दिस इज रिकरेंट। और टू के जो टू होगी वो कैसे होगी, आप टू से जीरो पे जा सकते हो, जीरो से वन पे जा सकते हो, बट वन से वापस नहीं आ सकते, तो टू के लिए जो प्रॉब्लम करी है वो जीरो प्रॉब्लम करी है, इसीलिए ये भी ट्रांजिएंट है, दिस इज ट्रांजिएंट। अच्छा मेरे डायग्राम में कुछ गलती है, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ ठीक है, एक सेकंड। देखो जब आप यहाँ पे जीरो बनाओगे तो आप जीरो से वन में आ सकते हो, ठीक है, वन से आप जीरो में आ सकते हो, तो इन दोनों के बीच में दोनों ही वन वन प्रोबेबिलिटी के साथ में। उसके बाद लेट मी मेक थ्री है, आप थ्री से जीरो पे जा सकते हो और टू, आप टू से जीरो पे जा सकते हो और टू से टू पे, ठीक है, नॉट फाइन। तो यहां पर आप देखोगे कि जीरो से आप वन पे जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो, सेम फॉर वन, वन से आप जीरो पे जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो, सो जीरो एंड वन आर रिकरेंट, है ना। टू जो होगी, आप टू से जीरो पे जा सकते हो बट वापस नहीं आ सकते, तो दिस इज ट्रांजिएंट। अब सही है, अब बताओ Is this fine now? जीरो और वन दोनों रिकरेंट और सेकंड वाली ट्रांजिएंट। पहले मेरा वो जो डायग्राम है वही गलत बन गया था, मैंने लूप बना दिया था वन पे, जबकि वन से टू पे प्रोबेबिलिटी वन है फर्स्ट एक स्टेप में जाने की। या एक सेकेंड, समवन इज सेइंग समथिंग। Yes, Varun. या बोलो वरुण, बोलो, सुन रहा हूं मैं। नहीं, the definition is saying if we go from I to J, that means there is no restriction on J, then we can come back to I back, otherwise it is called transient. So we have, I have not mentioned that there exists a J or for some J, that means for any J that should be happen, that should happen. Yeah, okay, cool. ये चालू ये अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ना आप फील कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं इनकी क्लासेस को मेंशन करूं, सो वन कैन फील, यहाँ पर अगर आप क्लास ऑफ जीरो निकालोगे तो जीरो से वन में कम्युनिकेशन है और वन से जीरो में कम्युनिकेशन है, क्लास ऑफ टू में टू आएगी। तो एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि क्लास में, जैसे जीरो की क्लास में अगर जीरो रिकरेंट है ना तो सारे रिकरेंट होंगे, वन रिकरेंट है तो जीरो भी रिकरेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर क्लास में एक भी एलिमेंट रिकरेंट बन गया तो उसकी पूरी क्लास में सारे ही एलिमेंट रिकरेंट बन जाएंगे। सो लेट मी राइट वन नोट फॉर यू, अभी इसके बाद और एग्जांपल्स को टारगेट करेंगे। लेट मी राइट, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। A state I belongs to S is recurrent if and only if summation n is running from 1 to infinity Pn I comma I। इसका मतलब क्या है कि I से I में n स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी अगर ये प्लस इन्फिनिटी होता है देन ऑल्सो वी से द स्टेट इज रिकरेंट। सेकेंड वन इफ I belongs to S is recurrent this will imply all J from S which communicates with I is also recurrent। ठीक है, तो अगर एक भी एलिमेंट रिकरेंट हुआ तो उसमें उसकी क्लास में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे रिकरेंट बन जाएंगे। एंड दिस इज अनदर डेफिनेशन फॉर द रिकरेंट। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी अप्लाई करने में क्योंकि आप इसको बार बार एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रीवियस स्लाइड, यू कैन टेक अ लुक। ठीक है, वर्णन हो गया आपका, चलें आगे। नहीं, मेरी डेफिनेशन सही है, देयर इज नो इश्यू। आई हैव रिटन दैट वी कैन कम बैक टू आई, इसका मतलब कि आई पर आपको आना ही होगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलें आगे। चलो एक दो एग्जांपल मैं आपको ना आपके प्रीवियस ईयर के कराता हूं। लेट मी शो यू ऑन माय स्क्रीन, जस्ट अलाउ मी मोमेंट। अभी सिर्फ अपन को रिकरेंट और ट्रांसेंडेंट वर्क करना, मैंने आपको अभी पीरियड डिफाइन नहीं करा, सो वी विल नॉट गो फॉर पीरियड फॉर नाउ। अभी डिफाइन करेंगे तो पीरियड की बात करेंगे ना। आप सब लोग ये क्वेश्चन पेपर देखो, ये जो रिसेंट अभी एग्जाम हुआ था सितंबर 2022 में, 16 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका ये प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक पी बना के दिया हुआ, लेट मी जूम इट मोर इफ यू वांट टू। आपको एक पी मैट्रिक्स बना के दिया है विच इज 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, और आपसे पूछा गया है इट इज एन इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन, ऑल द स्टेट्स आर रिकरेंट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p to the power n exist, all the states have same period। पीरियड मैंने भी आपको डिफाइन नहीं करा, आई विल बी डिफाइनिंग वेरी सून। तो इसमें आपको बताना है कि ये इरिड्यूसिबल होगी या p की पावर n एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, और इसके रिकरेंट को बताना कि सारी स्टेट रिकरेंट है या कोई ऐसी स्टेट भी है जो रिकरेंट नहीं है। आई होप यू हैव नोटेड डाउन द मैट्रिक्स, क्योंकि ये सारे PYQ आपके पास होंगे, है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में स्वाति मोदी आई से जे पर कैसे भी जाओ, देखो यहां पर आपके पास 4 स्टेट्स हैं, आप फील कर सकते हो। यहां पर जो डायग्राम बनेगा 0, 0, 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, 1, 0 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, 2, 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और 3, 2 के साथ। तो यहां पर ये इस टाइप की सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन है। तो यहां पर आप 0 से 1 में जा सकते हो और 1 से 0 में वापस आ सकते हो, तो 0 रिकरेंट है। 2 से 3 में जा सकते हो, 3 से 2 में वापस आ सकते हो, तो ये भी रिकरेंट है। यहां पर क्लास ऑफ 0 कितनी है, 0,1, क्लास ऑफ 2,3, जस्ट 1 सेकेंड। यस अंजलि, यहां पर आपके पास 2 अलग अलग क्लासेस बन रही है ना। तो यहां पर आपका जो स्टेट स्पेस है 0, 1, 2, 3, दिस विल बी अ यूनियन ऑफ क्लास ऑफ 0 यूनियन क्लास ऑफ 2। तो यहां पे 2 क्लासेस बन रही है अलग अलग, दैट मीन्स दिस इज रिड्यूसेबल। सो दिस इज reducible Markov chain in which all the states are recurrent. What can you say about the other option that was like, let me tell you the option, limit n tends to infinity p to the n. Can you say something for limit n tends to infinity p to the power n? Will it exist or not? इसको बताओ। ये थोड़ा सा linear algebra वाला टेस्ट आपको देके जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे होगा क्या, जब आप ये डिफाइन करोगे ना, तो यहाँ पे बनेगा आइडेंटिटी अगर n इवन नंबर हुआ, और यहाँ पे बनेगा p अगर n ऑड नंबर हुआ, क्योंकि p स्क्वायर आइडेंटिटी आएगा। तो p क्यूब कितना होगा, p हो जाएगा। तो p की हर एक इवन पावर आइडेंटिटी बनेगी, ऑड पावर ये बनेगी। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, p की पावर है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है, लिमिट जब एग्जिस्ट करती है वो यूनिक होती है। तो यहां पर 2 अलग अलग सिचुएशन बननी, एन के इवन और ऑड होने पर डिपेंड कर रहा है। सो दिस विल नॉट एग्जिस्ट। विक्रम कुमार, हाउ इट विल बी एग्जिस्टिंग? तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो लेट मी डिफाइन, ओके एक और प्रॉब्लम करते हैं ना, अभी इसके पीरियड भी निकालेंगे, इन सब की बातें करेंगे ना। लेट मी शो यू वन मोर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को पढ़ो, आपको सिर्फ रिकरेंट बताना और ट्रांजिएंट बताना। पीरियड में आपको नहीं पढ़ाया, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं पढ़ाया, वी विल टॉक अबाउट दैट। पहले इसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद वी विल मूव टू द पीरियड एंड स्टेशनरी और सो करो एक बार। और पता है इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या होता है प्रॉब्लम्स में, कि ये सिंगल करेक्ट है तो आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, ये सिंगल करेक्ट ही था। यस नविता, अभी सही है। ठीक है, ये बताओ इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 5 स्टेट्स है ना, पांचों को लिस्ट कर सकते हैं। सो 0, 1 के साथ और 2 के साथ करिए ना, तो 1 को यहां बना लेते हैं, 2 को यहां बना लेते हैं। सो 0 जो है 1 के साथ कम्युनिकेट करे, 0, 1 नॉन जीरो है और 0, 2 नॉन जीरो है। 1 जो है वो 2 के साथ और 3 के साथ, तो मैं 3 को यहां बनाता हूं। तो 1 3 के साथ और 4 के साथ। जो है 2, 3 के साथ और 4 के साथ। ये जो है 3, 0 के साथ और 4 के साथ। और जो है 0 के साथ, 1 के साथ। इसको बताओ, इसमें आपके पास डायग्राम आ गया। इनकी पहले क्लासेस लिस्ट कर लो, दैट विल बी अ ग्रेट वन। क्लास ऑफ 0, तो 0 से आप 1 में जा सकते हो, ठीक है, 1 से आप 4 पे जा सकते हो, 4 से 0 में वापस आ सकते हो। तो 0 की क्लास में 1 आएगा और 4 भी आएगा ना, क्योंकि 0 से आप 4 पे जा सकते हो और 3 भी आ जाएगा। 0, 1, 4, 3। 2 को और देख लो, 0 से आप 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे, 3 से वापस 0। तो ये सब की क्लासेस सेम आ जाएंगी, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 4। अब इसमें आपको रिकरेंट बताना है, तो आई रिकरेंट के लिए चाहे तो ऐसे लिस्टिंग कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिकरेंट बनेंगी। आप 0 से 1 में जा सकते हो और 1 से लेकर के वापस भी आ सकते हो। अब 0 से 2 में जा सकते हो, 2 से वापस आ सकते हो। 0 से 3 में कैसे जाओगे, 0 से 3 में यूं जाओगे, वापस भी आ जाओगे, ठीक है। जीरो से फोर में आपके पास जाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, जीरो से फोर में तो वापस आ जाओगे। सो जीरो इज रिकरेंट और जीरो रिकरेंट हो गई तो ऑल रिकरेंट, बिकॉज ये सारी एक ही क्लास में आ रही है। ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट बिकॉज अगर एक क्लास में अगर एक भी रिकरेंट हो गई तो सारी ही रिकरेंट हो जाएंगी, है ना। सो क्लास ऑफ जीरो विल बिकम योर स्टेट स्पेस एस, एस विल बी 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिएंट कोई बची नहीं, इसको अपन ने लिस्ट कर दिया, क्लासेस अपन ने लिख दी। सो इतना बहुत है अभी के लिए ना, मतलब फिलहाल क्योंकि मैंने अभी आपको पीरियड नहीं पढ़ाया। सो लेट्स मूव फॉर द पीरियडिसिटी। ठीक है, यहां तक कोई किसी के मन में कोई डाउट है? किसी के मन में कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, अदरवाइज आई एम मूविंग टुवर्ड्स पीरियड। हाँ, और तरीके से देख सकते हैं बट और तरीका लंदी है, जैसे मैंने आपको ये दिया था तो ये तरीके से अगर आप जाओगे तो वो लंदी पड़ेगा, आप कर नहीं पाओगे, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, घर बैठ के कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, चलो एक नोट और लिखाता हूं, काम का नोट है ना। फिर आगे लेके चलता हूं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी मार्कोव चेन है जिसमें फाइनाइट स्टेट स्पेस है तो उसके पास एटलीस्ट एक रिकरेंट स्टेट आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये काम का नोट है, जब भी आप किसी फाइनाइट में हो तो सारी की सारी ट्रांसिएंट नहीं हो सकती बट सारी की सारी रिकरेंट पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो तो अगर आप यहां से ये भी सोच सकते हो ना कि अगर आपके पास कोई ऐसी मार्कोव चेन है जिसमें फाइनाइट स्टेट स्पेस है ना, और फाइनाइट स्टेट स्पेस में अगर वो इरिड्यूसिबल हो गई सो आई कैन से in an irreducible finite state space Markov chain, all states are recurrent. All states are recurrent. ऑप्शन ए, जिसने भी ऑप्शन ए बोला है मैं दिखा देता हूं कौन सा ऑप्शन ए है। मैं पीरियड की बात अभी नहीं कर रहा, अभी वी विल टॉक अबाउट पीरियड। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट। ठीक है, चलो तो अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस है किसी भी मार्कोव चेन के पास, उसमें सारी ट्रांसिएंट नहीं हो सकती, एटलीस्ट एक रिकरेंट होगी, और अगर वो इरिड्यूसिबल बनी एक रिकरेंट जो आएगी वो सारों को रिकरेंट बना देगी। ठीक है, नेक्स्ट, पीरियड ऑफ स्टेट। अगर आप कोई भी एक आई फिक्स करो एस में से, तो इसका जो पीरियड होगा जनरली इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा ऑफ आई, इट विल बी गिवन बाय greatest common divisor of n bigger than or equal to 1 such that PII at another step is positive. देखो अगर आप किसी भी मार्को चेन में किसी भी स्टेट का जो पीरियड होगा दैट विल बी गिवन बाय जीसीडी एन बिगर देन और इक्वल टू 1, पीआईआई की पावर एन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मान लो कोई भी उसकी पावर पॉजिटिव नहीं है, सारे ही जीरो है, तो उस केस में जो जीसीडी होगा दैट अगर ये साइड एम्प्टी बन गया, मान लो अगर ये साइड एम्प्टी बन गया तो जीसीडी आप लिख नहीं सकते। उस केस में फॉर अ कन्वेंशन वी विल यूज जीरो एज अ पीरियड, फॉर कन्वेंशन वी विल यूज जीरो एज अ पीरियड, ठीक है, वी विल यूज जीरो एज अ पीरियड। अब देखो जितने भी हमने पढ़े हैं अपने 50% प्रॉब्लम्स यहां से हो जाएंगे। इस पीरियड को निकालना इजी भी है, डिफिकल्ट भी है, डिपेंड करेगा आप तरीका क्या लगा रहे हो। जैसे मैं इस प्रॉब्लम में बात करूं जो अभी मैंने आपको कराई थी, मुझे इसमें हर एक स्टेट का अगर पीरियड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो पीरियड क्या है कि आप आई से आई में कितने स्टेप्स में आ रहे हो, है ना। जैसे आई से आई में आप हो सकता है 1 स्टेप में आओगे, इसका मतलब एक लूप है। आई से आई में 2 स्टेप, मतलब आई से किसी दूसरे में जा रहे हो फिर वहां से किसी और में आ रहे हो, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को अभी टारगेट करने से पहले लेट मी गिव यू सम इजी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की बात करते हैं और इसमें हर एक का पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं ना। सो व्हाट इज पीरियड ऑफ जीरो स्टेट। अब जीरो से आप देखो, जीरो से आप का जो पीरियड है इसमें आपने डेफिनेशन लिखी है जीसीडी ऑफ एन बिगर देन और इक्वल टू 1। आप मतलब जीरो चूज नहीं कर सकते एन को, वेयर पी आई आई की पावर एन इज पॉजिटिव, यानी कि ये जो आई आई एंट्री है या आई से आई स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी है किसी भी स्टेप में पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर आप मैट्रिक्स को फील करोगे तो मैट्रिक्स की आई पी की पावर एन में आई आई एंट्री की जो आई आई एंट्री होगी दैट शुड बी पॉजिटिव, तो वहां से आप कलेक्शन करना स्टार्ट करोगे। अगर आप इसके लिए लिख रहे हो इसमें जीरो से आप जीरो में 1 स्टेप में नहीं जा सकते, तो आप लिखोगे जीसीडी ऑफ, आप 2 स्टेप में कर सकते हो। 2 स्टेप कैसे, 0 से 1 में एक, 1 से 0 में दूसरा, फिर 0 से 1 में तीसरा, 1 से 0 चौथा, तो 2, 4, 6 इसका जीसीडी 2। सेम आर्ग्यूमेंट फॉर 1 एंड सेम आर्ग्यूमेंट फॉर 2 एंड 3। तो ये इजी प्रॉब्लम था। सो 2 स्टेट और 3 स्टेट इन सबका ही पीरियड जो है वो 2 है, क्योंकि 2, 4, 6 इन सबका जीसीडी निकालोगे तो जीसीडी आएगा 2। सो ऑल स्टेट्स आर हैविंग पीरियड 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल में इसको लगाते हैं पीरियड वाली सिचुएशन को। नहीं, ये तो हो गया। इस स्टेट को बताओ, इसमें मुझे 0 का 1 का और 2 का पीरियड लिस्ट करना है। ये 2 है ना, इसको हटाया था मैं ऊपर। So what is period of 0, period of 1, period of 2? बताओ, आंसर करो। अच्छा एक इसे बता दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो मैं कराऊंगा इनफाइनाइट स्टेट का। देखो इसमें आप जीरो से जीरो में या तो एक पहले वन पे जाओ फिर इस पे आओ, तो यू हैव टू चूज जीसीडी। दो, आप जीरो से टू में तो जा नहीं सकते है ना, तो सिर्फ यही चॉइस है आपके पास। तो 2 4 6 इट विल बी 2। वन के लिए आप वन से जीरो में आ सकते हो तो इट विल बी 0, और 2 4 6 इट विल बी 2। लैम्डा ऑफ 2 के लिए अब आप 2 से जो है 2 से आप जो है 0 पे जा सकते हो, लेकिन इससे कम बैक नहीं कर सकते तो वो काम नहीं करेगा। तो 0 जब आपको 2 चाहिए तो आपको सेल्फ ही लगाना पड़ेगा, यानी कि एक लूप। यू कैन से इट इज जीसीडी ऑफ 1 2 3 4। ये 1 2 3 की ओर क्यों हो रही है? 1 मतलब एक बार लूप, 2 मतलब दो बार लूप, 3 मतलब तीन बार लूप। तो इट्स वैल्यू विल बी 1, सो पीरियड ऑफ 2 विल बी 1। अंजलि आप समझ में आए आपको या कोई डाउट? या जिसके भी मतलब ये सेम आ रहे हैं वो सब लोग सही हैं। हाँ, अगर अपने देखो मान लो कि अपने पास लूप है, डेफिनेशन क्या है इसकी, जीसीडी ऑफ दिस। अगर लूप आ गया इसका मतलब आप किसी आई स्टेप में लूप आ गया तो उससे आई से आई में एक लूप बनाओगे, यानी कि पी आई आई ऑफ 1 1 पॉजिटिव आएगा, मतलब पी आई आई स्टेप 1 पॉजिटिव आएगा। तो जीसीडी ऑफ 1 समथिंग हमेशा 1 आएगा। तो अगर किसी भी स्टेप में किसी भी स्टेट में लूप आ गया उसका जीसीडी जो है वो हमेशा 1 हो जाएगा। तो उस केस में जो पीरियड होगा दैट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है। अच्छा एक ये और बताओ, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक एग्जांपल। इसमें बताओ पीरियड क्या क्या हो सकते हैं। What is period of 2? Actually, I am interested in this. और ये प्रोबेबिलिटी आपको 1 ही लेनी पड़ेगी है ना। अगर ऐसा ट्रांजिशन डायग्राम आया तो कैसे बनाओगे अब बताओ। तो आप 2 से कुछ भी कर लो वापस नहीं आ सकते ना। सो बाय कन्वेंशन द पीरियड विल बी 0। ठीक है, बाय कन्वेंशन द पीरियड विल बी 0 या। ठीक है, सो इट्स फाइन। चलो अब ना और प्रॉब्लम्स करते हैं आपके एग्जाम्स की। मैं नल रिकरेंट पॉजिटिव रिकरेंट पढ़ाओगे ना? हाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, नल रिकरेंट पॉजिटिव रिकरेंट और लास्ट में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो रुक जाओ। अब मुझे ना आपके PYQ वाले प्रॉब्लम निकाल दो। आई हैव इन माय हैंड। इसका आंसर करो। प्रॉब्लम छोड़ो, ये सितंबर 2022 वाले का है। मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यू नीड टू एनकाउंटर ऑल द ऑप्शंस। 4.75 मार्क्स है ना। सो ट्राई करना कि गलती ना तो यहाँ पे करो ना एग्जाम में करो। गलती करोगे भारी पड़ेगी। आपको पीरियड्स निकालने हैं और स्टेट्स बतानी कि ट्रांजिएंट होंगी या फिर आपकी रिकरेंट होंगी। आई होप नोट कर लिया होगा, ये तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कोई बात नहीं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, अब यहां देख लो आप, है ना। These are the options if you want to see. All the states have same periods. All the states are transient. Some states are transient. All the states are recurrent. So periods are transient. चलो यहां पर अगर मुझे पहले मैं इनकी क्लासेस लिस्ट कर दूं, वहां से आसानी हो जाएगी ट्रांजिएंट देखने के लिए। क्लास ऑफ जीरो, आप 0 से 1 में जा सकते हो, 2 में आ सकते हो, बस बाकी तो आप कहीं जा ही नहीं सकते ना, ठीक है। अब 0 से 1 में जा सकते हो, 1 से 0 में वापस आ सकते हो, किसी और में जा नहीं सकते। वन से आप कहां जा सकते हो? 1 से आप सिर्फ 0 में ही जा सकते हो, कहीं और पे जा नहीं सकते, है ना। तो ये जो है ये दोनों ही रिकरेंट हो गई। क्लास ऑफ 2, 2 से आप 4 में जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते, तो 2 तो वैसे भी ट्रांसिएंट हो जाएगी ना, इसी क्लास में 2 आएगा। 2 से आप 3 में जा सकते हो, 3 से वापस 2 में आ सकते हो, तो ये 3 से कम्युनिकेट कर रही है। 3 से आप 0 में जा सकते हो बट आ नहीं सकते, कम्युनिकेशन नहीं है। 4 में कम्युनिकेशन नहीं है, क्लास ऑफ 4 में सिर्फ 4। सो ये दोनों ही आपकी ट्रांसिएंट हो जाएंगी, क्योंकि आप 3 से 2 में जा सकते हो, 2 से 4 में जा सकते हो बट बैकवर्ड नहीं आ सकते। 4 जो है लूप है तो इट इज रिकरेंट। ठीक है, इनके पीरियड्स मेंशन करते हैं। अगर मैं पीरियड ऑफ 0 लिखूंगा तो 0 से आप 0 में आप जीसीडी कैसे लिखोगे, जीसीडी ऑफ 1, 2, 3 एंड इट विल बी 1। सेम फॉर 1, जीसीडी ऑफ 1, 2, 3 एंड इट विल बी 1। आप देखोगे कि सब सारे पे ही लूप है, क्योंकि देखो ये डायगोनल एंट्री जो है ना ये आपको लूप दे रही है। सो लैम्बडा ऑफ 2 बराबर लैम्बडा ऑफ 3 बराबर लैम्बडा ऑफ 4 बराबर 1। तो सबका जीसीडी 1 है, कुछ ट्रांसिएंट स्टेट्स हैं, कुछ रिकरेंट है। सर ये एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं दिखा, तो देखो ये इसलिए नहीं दिखा होगा क्योंकि आप स्टैट तैयार करके नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि आप मैथ्स का देने जा रहे थे। मे बी यू मस्ट हैव, यू मे हैव, यू माइट हैव स्किप्ड। हाँ रिकर नहीं, 4 भी रिकरेंट है ना, क्योंकि आप 4 से 4 में ही जा सकते हो, 4 से कहीं और नहीं जा सकते, तो 4 रिकरेंट है। वैसे भी मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप थोड़ा सा और मैथ से स्ट्रॉन्ग करके सोचोगे ना, अगर आपके किसी भी डायगोनल में 1 आ गया तो जिस भी डायगोनल में 1 आ रहा है वो जो भी रो या वो जो भी कॉलम है वो स्टेट हमेशा ही रिकरेंट बनेगी। क्योंकि मैंने जब आपको रिकरेंट के रिलेशन दिए थे तो उसमें एक वो इन्फिनिटी वाला भी बताया था। अगर ये 1 आ गया एक जगह पे तो इसकी पावर्स 1, 1, 1 आती रहेंगी, तो ये जो सीरीज होगी ये डाइवर्जेंट सीरीज होगी, इसका सम प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए डायगोनल पे अगर कहीं भी 1 देख लो आप एक बार, है ना, तो वो स्टेट हमेशा रिकरेंट। नहीं, सारे स्टेट रिकरेंट पॉसिबल हैं बट सारे ट्रांसिएंट नहीं हो सकते, सारे ट्रांसिएंट नहीं हो सकते। इसके जो ऑप्शंस आएंगे, जैसे पहला ऑप्शन था ऑल स्टेट्स हैव सेम पीरियड्स, वो ट्रू हो जाएगा। All the states are transient गलत, some states are transient सही, and all the states are recurrent गलत। ठीक है, just allow me a moment, मैं एक बार उसके आंसर की चेक कर लूं कि इन्होंने कौन सा ट्रू दे रखे हैं। A एंड C सही है, some states are transient। ठीक है, तो ट्रांसिएंट कौन सी है, 2 और 3 दोनों आपस में ट्रांसिएंट है ना। कोई डाउट है किसी को इसमें? मुझे लग रहा है आपके मतलब आंसर वगैरह से। इज एवरीवन फाइन? ट्रांसिएंट वाला देखो, आप 2 से 4 में जा सकते हो, कैन यू कम बैक? नो। 2 से 1 में जा सकते हो, कैन यू कम बैक? नो। 3 से 0 में जा सकते हो, कैन यू कम बैक? नो। सो 2 और 3 दोनों ही ट्रांसिएंट है, दोनों ही रिकरेंट नहीं है। सर एक और आया था, वो तो मैंने आपको कब का करा दिया, अभी और करा दूंगा, दिखा दूंगा मैं आपको, अब तो वो वैसे भी आपके लिए आसान हो गया, आप देखते ही कर दोगे। चलो दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो ना, लेट मी शो यू। ये मुस्कान जो आप कह रहे हो ना, वो ये वाला प्रॉब्लम था, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया ना। जैसे पी मैट्रिक्स ये हो गया, ऑल द स्टेट्स आर रिकरेंट, ये हमने निकाल लिया था, पी की पावर एन एग्जिस्ट करेगा नहीं, ऑल द स्टेट हैव सेम पीरियड, सबका पीरियड 2 आ रहा था, तो ये तो हो ही चुका है ना, ये वाला आसान है अब आप लोगों के लिए ना, ठीक है। सो दिस हैज बीन डन ऑलरेडी। चलो नेक्स्ट नए प्रॉब्लम्स पे चलते हैं ना। सीपू इसकी नीड नहीं पड़ेगी, इसी में खत्म हो जाएगा। आई विल फिनिश इन टुडेज लेक्चर, ठीक है। यस वरुणराज, बताओ। ओके, देखो इसमें 0 यहां बना लेते हैं, 1 यहां बना लेते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड जस्ट अलाउ मी मोमेंट। 0 से आप सिर्फ 1 में जा सकते हो, 1 से 0 में आ सकते हो, ठीक है, ये भी 1 के साथ। 2 से आप 0 में जा सकते हो और 2 से आप उतने आ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2। इसमें अगर आप क्लासेस देखोगे, सो क्लास ऑफ 0 विल बी 0,1, क्लास ऑफ 2 विल बी 2 ओनली। If you look at the periods, period of 2 will be 1, period of 0,1, दोनों का ही 2 हो जाएगा, ठीक है। Now अगर मैं इनको लिस्ट करूं 0 और 1 वाली को या 2 वाली को, तो 2 से आप 0 में जा सकते हो बट वापस नहीं आ सकते, 2 से आप 2 में आ सकते, 2 में जा सकते हो और आ भी सकते हो, बट 0 पर जाओगे तो इसमें कमबैक पॉसिबल नहीं है ना, so it will be transient। इसके डायगोनल 1 नहीं है ना, सी। ये जो PII है, जब आप ऊपर वाले मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को स्क्वायर करोगे तो ऊपर बन जाएगा आइडेंटिटी, तो 1 यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, तो वो n की इवन पावर पे हमेशा आता रहेगा। उस केस में 1 + 1 + 1 ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तभी तो ये 0 और 1 दोनों ही रिकरेंट बनेंगी, क्योंकि जब डाइवर्जेंट सीरीज होती है ना तब वो बनती है रिकरेंट, जब कन्वर्जेंट होती है तब वो बनती है ट्रांसिएंट। अगर आप इसी सीरीज को इस 2 के लिए निकालोगे ना, आई एम प्रीटी मच श्योर इट विल बी अ कन्वर्जेंट सीरीज, देन इट विल बी अ ट्रांसिएंट वन। बट वो एग्जाम में परफॉर्म करना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि आप एंट्रीज को बार बार लिख नहीं सकते, आप 2 एंट्री लिख लोगे क्योंकि स्क्वायर कर सकते हो, और वो भी अगर 6 बाई 6 का मैट्रिक्स हुआ तो एग्जाम में इतना स्पेस ही नहीं होता कॉपी में कि आप उसको 2 या 3 बार मल्टीप्लाई करा पाओ, ठीक है। चलो ठीक है, सो एवरीवन फाइन राइट। मिस्टर राणा सब में आएंगे, अभी आप चिंता मत करो, वो क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। कोई बात नहीं रिचा सिंह, आपके पास जो भी कोई प्रॉब्लम है लिमिट वाला आप मुझे भेज दो, मैं भी करा दूंगा क्लास में, प्रॉब्लम होगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सितंबर के क्वेश्चन होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। फैब के एग्जाम, फैब के में शायद एक ही आया था, फैब में जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, फैब वाले को अभी कराऊंगा मैं आपको स्टेशनरी के बाद। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स ऑफ नवंबर 2020। मैं ओपन कर रहा हूं। हाँ जी, इस प्रॉब्लम में आपको, अच्छा इसमें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, कोई बात नहीं, इसको अभी रोकते हैं क्योंकि आपने स्टेशनरी अभी नहीं पढ़ा ना, तो मैं इसको दोबारा कराऊंगा स्टेशनरी पढ़ाने के बाद। इस पेपर को हटाते हैं। इस प्रॉब्लम को करते हैं ना, आई थिंक इसमें आपका शायद डाउट क्लियर हो जाएगा, शायद नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए होगा मीन रिकरेंस। ठीक है, एक बार ना इसको नॉर्मली ट्राई करते हैं, अगर होता है वेल एंड गुड है, नहीं तो आई विल कम टू द मीन, क्योंकि ये मीन के बिना फिर हो नहीं पाएगा। 32 एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टेशनरी वाला और लिमिटिंग प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं है, मार्कोव चेन की लिमिटिंग प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, उसके बाद वी विल डिस्कस। उसके बाद ये इजी हो जाएगा, मीन फाइंड करना आसान हो जाएगा ना। तो इसको एक बार पढ़ो, ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा नहीं शायद, ये दिसंबर 2019 का है जो 27 दिसंबर को पेपर हुआ था, तो ये गूगल पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि साल 2 एग्जाम हुए थे ना। कंसिडर अ मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस एस जो है वो है 0, 1 up to 1000 and transition probability is given by pi i plus 1 बराबर 1 for 0 less than or equal to i less than or equal to 999 और बाकी जो रेस्ट एंट्रियां हैं वो 1/2 है ना। इसमें आपसे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी pij की पावर n ये पूछा जा रहा है, ठीक है, फॉर ऑल ij इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। आई होप यू हैव नोटेड डाउन द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स को बनाओगे, हमसे आंसर में पूछा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी pij की पावर n फॉर ऑल i कॉमा j। i कॉमा j के लिए आपके पास 0 से लेकर के 1000 तक चॉइसेस हैं, ठीक है, आंसर कोई एक ही होगा। ऑप्शन दिखा देता हूं मैं, रुक जाओ। These are the options you can see. देख लिया ऑप्शन, शुड आई प्रोसीड नाउ? ठीक है, चलो देखो। अगर आप एक चीज देखो तो यहां पे जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके की बनेगी। इस मैट्रिक्स में क्या है, आपको गिवन है कि PII+1 बराबर 1 फ्रॉम 0 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू 999। तो ये जो मैट्रिक्स है ये होगा इस ऑर्डर 1001 क्रॉस 1001। तो अपर डायगोनल आपको 1 गिवन है, ठीक है, इन सब पे 1 आ रहा है। अगर एक भी एंट्री में 1 आ गया किसी भी रो में, सारी 0 होंगी बिकॉज ऑफ ईच रो सम इज 0। ये एंट्री 0, ये एंट्री 0, सारी 0, ये भी 0। ये 1/2 गिवन है आपको, ये 1/2 गिवन है ना, बाकी सारी 0 है। अब इस मैट्रिक्स के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई कि Pij की पावर n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी हर एक i j के लिए, यानी कि किसी भी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने पे जो ये सम होगा ये कितना बनेगा, ठीक है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दिस प्रॉब्लम। आप मुझे कोई ट्राई करना चाहेगा इसका? इसको ट्राई करो और बताओ कितना आंसर लगता है, मतलब व्हाट आर यू गेटिंग, और आर यू गेटिंग समथिंग और नॉट गेटिंग एनीथिंग। आपको आई से jth स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी को निकालना है और देखना है कि जब आप n टेंड्स टू इंफिनिटी पे जा रहे हो तो ये कहां पे जा रही है। मुस्कान ने आंसर दिया 1/1000। बाकी लोग ट्राई करो एक बार। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बहुत लार्ज साइज का हो जाएगा ना, बस डायग्राम को फील कर सकते हैं क्योंकि आई से सेकंड वाली स्टेज पे आप जो है वो 1 के साथ जा रहे हो ना। जैसे मैं यहाँ पे 0 बनाऊं, यहाँ 1 बनाऊं, यहाँ 2 बनाऊं, ऐसे एक स्टेप आएगा जब मेरे पास यहाँ पर 999 आएगा और उसके अलावा 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1, 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1, 999 से 1000 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 और 1000 से 0 में जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/2 और 1000 से 1000 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये इस तरीके से है। लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी यूज करके तो देखो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी को यूज नहीं करना चाहूं तो कैसे काम करेंगे? लिमिटिंग वाली को यूज करके हो जाना चाहिए, बट मैंने आपको अभी तक लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी पढ़ाई नहीं है और ना ही स्टेशनरी पढ़ाई, तो मैं उनको अभी यूज नहीं कर सकता। क्या कुछ और तरीका सोच सकते हैं जहां से मतलब बहुत जनरली एक बार नजर आ जाए? ऋचा सिंह, जो आप बोल रहे हो ना तो वो भी whatever you are saying that is also a property of limiting probability। उसके बिना देखो मैं ट्राई करके देखता हूं कि अगर मुझे 0 से 0 पे जाना है ना, सो 0 से 0 पे जाने के लिए मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए होंगी, तो मैं 0 से 0 पे कैसे आ सकता हूं, 0 से 1 पे, फिर 2 पे, 1 + 1 + 1 अप टू, फिर मुझे यहां तक करना पड़ेगा, मैं 1000 पे प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ये फिर ना लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का यूज करके होगा, ये ऐसे नहीं होगा। देन आई विल नीड टू डिफाइन लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी। उसके बिना इट विल नॉट बी पॉसिबल, अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो। स्टेट निकाल सकते हैं कि कैसे होंगे ना, सारे ही कम्युनिकेट करें तो ये इरिड्यूसिबल है ना, आप किसी भी एक को निकाल लीजिए बस। सारे ही इरिड्यूसिबल है क्योंकि 0 से आप 1 पे जाओ, 2 पे जाओ, वापस आ सकते हो। सो ऑल आर रिकरेंट। एक बार मैं ऑप्शन और दिखता हूं ना, ना एक चीज और मैं ट्राई करता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखूं, क्योंकि मुझे p² या p की पावर n अगर मैंने गैस कर लिया तो भी मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा ना। देखो आप सबको, मैं थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा यूज करने जा रहा हूँ, सो फॉरगिव मी, और इसमें टाइम भी लग सकता है ना, इट मे टेक टाइम। हम एक मैट्रिक्स पढ़ते हैं p, जो इस फॉर्मेट का होता है 0 1 0 - k0 0 0 1 1 है ना, 0 - a1 - a2 - kn - 1। ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। आई डो नॉट नो द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स फॉर नाउ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, बट आप लोगों में से कोई ना कोई जानता होगा, आई एम वेरी मच श्योर ना, आप लोगों में से कोई ना कोई जानता होगा, वेरी मच श्योर। नहीं, मैं इसको नहीं लेना चाह रहा था, मैं इसको अगर लूंगा 0 1 0 0 0 0 1 0 -k a0 - k a1 - kn - 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, it is given by x - x to the n plus a n minus 1 x to the n minus 1 सब टू a0, इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। अगर जो अपना मैट्रिक्स है उसमें मैट्रिक्स का फॉर्म यही है, बस ये एंट्री 1/2 है और ये एंट्री 1/2 है, बाकी सब तो सेम ही है ना। तो मेरे पास ये कैसा आएगा, x की पावर n, a n - 1 है 1/2, तो -k 1/2 x की पावर n - 1 और a0 है 1/2 -k 1/2, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स को। तो a की पावर n - (1/2 प्लस (1/2) of a to the power n minus 1, ये होगा a की पावर n में रिलेशन, ठीक है। ये a में रिलेशन आएगा, मुझे चाहिए कुछ इनकी एंट्रियां, नहीं, यहां से भी ये नहीं बन रहा है, यहां से भी ये नहीं बनेगा ना। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंपेयर्ड मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, इसको रोकते हैं, वी विल मूव टू द लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो लेट मी शो यू वन और टू मोर प्रॉब्लम्स उस टॉपिक से जो हम कर चुके हैं ना। इसको ट्राई करो एक बार, है ना। इसके तीन ऑप्शंस आप कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। मतलब फर्स्ट सेकंड तो कर सकते हो, थर्ड वाले में प्रॉब्लम हो सकती है। ए पीरियड में बताऊंगा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है। एक बार इसको ट्राई करो, और ये एग्जाम्पल आपके लिए, नविता आपने पूछा था ना कि इनफाइनाइट के केस में कोई एग्जाम्पल, सो दिस एग्जाम्पल विल वर्क फॉर इनफिनिट सिचुएशन। इसमें आपको गिवन है लेट xn n bigger than or equal to 0 be a Markov chain with the state space n union 0 such that the transition probabilities are given by Pij आपको गिवन है q if j is 0 1 minus q if j is I plus 1 0 otherwise। ठीक है, इसमें आपसे आपको गिवन है कि जो Q है वो 0 और 1 के बीच में है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसको ट्राई करो, बनाओ इसका मैट्रिक्स और इसका डायग्राम थोड़ा सा सोच करके देखो व्हाट बेस्ट यू कैन। बना मैट्रिक्स, बना मैट्रिक्स बनाने के बाद आपको इसकी क्लासेस निकालनी है, वो हम लोग निकाल सकते हैं ना। और क्लासेस निकालने के बाद जो ए पीरियडिसिटी है आप पीरियड निकालो, और पीरियडिसिटी की डेफिनेशन मैं दूंगा, फिर उसके बाद वो हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ बनाया होगा। मैट्रिक्स जो है उसमें क्या है, पी आई जे क्यू है जब जे जीरो है, जे जीरो मतलब कॉलम जीरो तो सारी एंट्री क्यू, जब जे आई प्लस वन होगा तो आई आई प्लस वन कितना है 1 माइनस क्यू, अपर डायगनल 1 माइनस क्यू, रेस्ट एंट्रीज आर जीरो। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जीरो से जीरो में जाने की क्यू, फिर जीरो से वन में आप जा सकते हो, फिर वन से आप जीरो में आ सकते हो, यानी कि ये ऐसे चलेगा और इस तरीके से, ये ऐसे चलेगा इस तरीके से, टू से थ्री में आ सकते हो ना, फिर ऐसे और इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये रन करेगा। इसमें अगर आप जीरो की क्लास देखोगे, सो क्लास ऑफ जीरो, जीरो खुद से कम्युनिकेट कर रहा है, जीरो से वन कर रहा है, वन से टू कर रहा है, ठीक है। वन टू से कर जाएगा क्योंकि वन से टू पे आ सकते हो, टू से जीरो पे, जीरो से वन पे जा सकते हो। सो जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। सो फुल एस विल बी इरिड्यूसिबल, और दिस will be an irreducible, or class of zero will be full space S, ठीक है। अब रिकरेंट देखने के लिए आप वन से किसी पे भी जाओ वापस लौट के आ सकते हो। सो दिस इज ऑल आर रिकरेंट प्लस इरिड्यूसिबल। इसके बाद है ना ये आ गया, उसके बाद पीरियड निकालते हैं। अगर मैं जीरो का पीरियड निकालूं तो जीरो में तो लूप है, जीरो का पीरियड वन, अगर मैं वन का पीरियड निकालूंगा तो क्या होगा, जीसीडी ऑफ वन से मैं जीरो पे जा सकता हूं और जीरो से वापस आ सकता हूं, तो टू, मैं वन से जीरो पे आ सकता हूं, फिर जीरो पे दो बार लूप घूम सकता हूं, उसके बाद वापस जाऊंगा तो ये तीन बनेगा, इसी तरीके से कर दूंगा तो वन बन जाएगा जीसीडी। सिमिलरली अगर मुझे मान लो किसी भी नंबर का निकालना है, लेट्स सपोज लैम्डा ऑफ मुझे निकालना है, फॉर एग्जांपल 5 निकालना है, मतलब पीरियड ऑफ 5, तो मैं क्या करूंगा, 5 से पहले मैं 0 पे आऊंगा, फिर 0 के बाद मुझे 0 पे सेल्फ लूप कितनी बार घूमना है वो मेरे ऊपर है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 5 से 0 पे आऊं, फिर 1 2 3 4 5 करके आ जाऊं, तो जितनी बार मुझे चलना पड़े मैं इस लूप को इतनी बार घुमा दूं कि ये रिलेटिवली प्राइम हो जाए, तो जीसीडी 1 बन जाएगा ना। सो विद द सेम लॉजिक इट्स जीसीडी विल बी 1, और for any state the GCD will be 1, so every state is of period 1, so lambda of I will be 1 for all I belongs to S। अच्छा, ऐसी state जिसका period 1 होता है ना उसको बोला जाता है aperiodic। so state one period state is called एपीरियोडिक, इज कॉल्ड एपीरियोडिक, ठीक है। और अगर पूरी मार्को चेन में हर एक स्टेट का पीरियड 1 हो जाए, दैट मार्को चेन इज कॉल्ड अपीरियोडिक। मार्को चेन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नेगेटिवली मत लेना इसको। इज कॉल्ड एपीरियोडिक इफ लैम्डा आई बराबर 1 और ऑल आई बिलोंग्स टू एस। अगर हर एक स्टेट का पीरियड 1 होगा देन दैट मार्को चेन विल बी कॉल्ड एज अपीरियोडिक, ठीक है। सबका यही आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें एक दो ऑप्शंस और हैं जिनमें से कुछ तो अभी आपसे नहीं होंगे। P00 की पावर n, अगर आप एक बार सी ऑप्शन में आपको शो कर रहा हूं, आप एक बार ट्राई करके देखो, कैन यू डू समथिंग फॉर दिस ऑप्शन, सी ऑप्शन। P00 यानी कि जीरो से जीरो स्टेप पर nth स्टेप में अगर आपको आना है तो ये Q हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो कैन यू डू दैट, हाँ जी, कैन यू ट्राई ऑप्शन सी, जीरो से जीरो में वापस आने में n स्टेप में कितनी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। या तो आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा के फील करोगे, अदरवाइज कंप्यूटेशन करोगे। ठीक है, मैं आपको कुछ के लिए करके दिखा दूंगा, रेस्ट आप करोगे ना। देखो वरुण पूछ रहे हैं कि सर ऑल रिकरेंट कैसे देखा, मैं जीरो को देख रहा था ना, तो क्योंकि ये इरेड्यूसिबल है, एक भी रिकरेंट हुआ सारे रिकरेंट हो जाएंगे। मैं जीरो से वन में जा सकता हूं, वन से जीरो में वापस जा सकता हूं, तो जीरो इज रिकरेंट। जीरो से आप किसी में भी जाओ, फॉर एग्जाम्पल जीरो से टू में जाओगे, या जीरो से टू में जा नहीं सकते ना, जीरो से वन में, वन से टू में, टू से थ्री में, आप किसी भी स्टेप से वापस आ सकते हो, तो जीरो इज रिकरेंट। और जीरो रिकरेंट होगा तो सारे रिकरेंट हो जाएंगे। अब एक बार देखो कि दिस वन, अगर आप P001 देखोगे तो ये कितना है? Q है। P002 देखोगे, इसका मतलब क्या है कि आप जीरो से जीरो में दो स्टेप में कैसे आ सकते हो। तो आपके पास जीरो से जीरो में आने के दो तरीके हैं, जीरो से जीरो में आने की प्रोबेबिलिटी Q, जीरो से वन में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 - Q, और वन से जीरो में जाने की प्रोबेबिलिटी Q, यही है। तो दो स्टेप में आपको करना है, या तो आप क्या करो दोनों जीरो पे चक्कर लगा लो, या फिर एक बार वन पे जाओ फिर उससे लौट करके आओ। तो ये कैसे करोगे, क्यू इंटू क्यू, ये कैसी है, जीरो से जीरो में जाना और जीरो से फिर जीरो में आना, प्लस 1 - Q, ये कौन सी है, जीरो से वन में जाना इंटू क्यू, ये कौन सी है, वन से जीरो में आना। इसको सम अप करो तो कितना आएगा, Q² + Q - Q², इट विल बी क्यू। अगर आप थ्री करोगे तो थ्री में क्या होगा, P0² आपको क्यू, या तो आप जीरो पे तीन बार चक्कर लगा लो तो Q इंटू क्यू प्लस एक बार जीरो पे चक्कर लगा लो, दो बार वन से होके आ जाओ, सो Q इंटू 1 - Q इंटू क्यू, प्लस आप Q से वन पे जाओ, वन से टू पे जाओ, टू से लौट करके आओ। तो Q से वन पे जाने के लिए 1 - Q, ठीक है, जीरो से वन पे जाने के लिए 1 - Q, फिर वन से टू पे जाने की प्रोबेबिलिटी, वन से टू पे जाने की 1 - Q, और फिर Q। इसमें कोई आई थिंक मिस नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको सम अप करूंगा तो कितना आएगा, वैसे ये चीजें मतलब लिमिटिंग के बाद आसान हो जाएगी, क्योंकि ये आपको मीन रिकरेंस से मिलेगा, ये डेफिनेटली मिलेगा। इसको मैं एक बार देखूं निकाल के ना, Q³ + Q² - Q³ ये 1 - Q² इसका मल्टीप्लाई करना तो Q - Q³। जीरो से जीरो में मुझे तीन बार में कंप्लीट करना है ना, तो मैं जीरो पे तीनों चक्कर लगा लूं, Q³ प्लस एक चक्कर लगाऊं, एक बार जाऊं और लौट के आ जाऊं, सो Q1 - Q इंटू Q प्लस, ठीक है। नेक्स्ट मैं जीरो से वन पे जाऊं, 1 - Q लेके, फिर 1 - Q और फिर Q। अगर मैं इसको सम अप करूंगा तो Q³ + Q² - Q³, ये क्या है, 1 - Q का होल स्क्वायर। तो पहला टर्म आएगा Q² इसका मल्टीप्लाई करोगे Q³, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 1 का स्क्वायर से Q को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का Q - 2Q 2q2 2q आएगा, 2q में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2q2 ठीक है, यही बनेगा। देखो ये लास्ट स्टेप रह गया था, ये लास्ट स्टेप कौन सा है, पहले आप 0 से 1 में जाओ, फिर 1 से 0 में आओ, फिर 0 पर एक चक्कर लगाओ, यहाँ से सारे कवर अप हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा क्यू क्यूब से क्यू क्यूब जाएगा, क्यू स्क्वायर 2q2 ये खत्म हो जाएगा, क्यू क्यूब से क्यू क्यूब गया, आंसर आएगा क्यू आपके पास। तो ये थर्ड स्टेप में भी 0 आ रहा है, तो ये एक इस टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बताओ मुझे एक बार, कंफर्म करो। वरुण राज एक बार आप खुद ट्राई करो समझने के लिए, इट्स इजी आई थिंक। ठीक है, यस एम जी, ये वीडियो इस पे ही रहेगी है ना, डो नॉट वरी। लेट मी फाइंड मोर प्रॉब्लम्स। चलो कुछ और डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्बिंग स्टेट, I belongs to S is called absorbing if अगर आप आई से आई में किसी भी एक स्टेप में अगर 1 प्रोबेबिलिटी के साथ में आ जाओ, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ एब्जॉर्बिंग स्टेट। that will be called as an absorbing state. ठीक है, तो ये absorbing की definition है, एक एग्जाम्पल में शो करता हूं, उस पर वर्कआउट करते हैं ना। प्रॉब्लम 51 देखो, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसकी टाइपिंग ऐसे ही, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसको एक बार पढ़ो। सपोज एक्सन इज अ मार्कोव चेन विद 3 स्टेट्स एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज गिवन एज 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 0 0 0 1। Then which of the following statement is true? Irreducible, recurrent, does not admit a stationary probability distribution, and xn has an absorbing state. तो 3 आपको पता है, वो 3 करो, फिर स्टेशनरी वाला मैं बताता हूँ ना। क्या सब लोग बोले डी ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है दैट सेज एक्सन हैज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। तो ये आपने कहा कि ये देखते ही ट्रू हो गया ना, इट वाज करेक्ट। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, बहुत अभी लाइटली दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मुझे लगता है कि लिमिटिंग के लिए ना शायद मुझे नेक्स्ट क्लास करनी होगी। ठीक है, सो लेट मी राइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पाई को अगर आप लेफ्ट से ऑपरेट कराओ पी पर, पी इज अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो ये पाई को चेंज नहीं करना चाहिए। दिस पाई इज अ नोटेशन, दिस पाई इज अ रो वेक्टर, जितने भी साइज का ये होगा उस साइज का रो वेक्टर ये होगा, एंड साथ में समेशन ऑफ पाई आई दिस शुड बी 1। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो पाई कैसे लिखा जाएगा, पाई 1 पाई 2 पाई 3, फिर ये पाई 1 पाई 2 पाई 3 इंटू पी मैट्रिक्स। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करा के तो मेरे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी, एक तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 में ये यहां से आएगी, एक आएगी समेशन पाई i बराबर 1। अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो पहली इक्वेशन देखना कितनी बनेगी, पाई 1 बराबर, मैं इस पूरे में लेफ्ट से पाई इससे मल्टीप्लाई करूंगा पाई 1 पाई 2 पाई 3 से, तो आपके पास आएगा पाई 1 बाई 3 प्लस पाई 2 बाई 2। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, पाई 2 बराबर पाई 1 बाई 3 प्लस पाई 2 बाई 2। लास्ट क्या आएगी, पाई 3 बराबर पाई 1 बाई थ्री प्लस के पाई थ्री, तो ये इक्वेशन निकल के आएगी पाई थ्री बराबर, इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो पाई वन बाई थ्री प्लस के पाई थ्री। इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पाई थ्री से पाई थ्री जाएगा तो पाई वन जीरो हो जाएगा। पाई वन अगर मेरा जीरो हुआ, मैंने इसको यहां पुट करा तो पाई टू विल बी, नहीं एक सेकेंड, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। पाई वन पाई टू पाई थ्री बराबर पाई वन पाई टू पाई थ्री, ये मैट्रिक्स है अपना वन वन थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई टू जीरो 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 वन। ठीक है, तो यहां से आपका जाएगा पाई वन पाई टू पाई थ्री, इट विल बी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराऊंगा तो पाई वन बाई थ्री प्लस पाई टू बाई टू, इसमें कराऊंगा तो पाई वन बाई थ्री प्लस पाई टू बाई टू, इसका इसमें कराऊंगा तो पाई वन बाई थ्री प्लस के पाई थ्री। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो पाई वन बराबर पाई वन बाई थ्री प्लस पाई टू बाई टू, नेक्स्ट पाई टू बराबर पाई वन बाई थ्री प्लस पाई टू बाई टू, लास्ट आएगी पाई थ्री बराबर पाई वन बाई थ्री प्लस के पाई थ्री। पाई थ्री से पाई थ्री कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा पाई वन बराबर जीरो, पाई वन को इसमें पुट करोगे जीरो तो पाई टू भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो पाई वन बाई टू जीरो, जो पाई थ्री है ना ये आर्बिट्री आएगा, बट अपने साथ में ये भी है ना कि पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई थ्री, दिस वैल्यू इज वन, तो पाई वन पाई टू दोनों तो जीरो है, तो पाई थ्री कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो मिलेगा जीरो जीरो वन, दिस विल बी अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑप्शन दिखा देता हूं मैं, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। एक्शन इज इरिड्यूसिबल नहीं है, एक्शन इज रिकरेंट, तो क्या ये रिकरेंट बनेगा? एक्शन डज नॉट एडमिट स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बट यूनिक बन रहा है जीरो जीरो वन, है ना। एक्शन एज एन ऑब्जर्विंग स्टेट, एब्जॉर्विंग स्टेट मिल रही है इसके पास, तो डी तो ट्रू है, सी गलत हो गया क्योंकि स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके पास मिल रहा है। इरिड्यूसिबल ये है नहीं, अब आपके पास रिकरेंट और बचा है। ठीक है, ऑप्शन देख लिए। तो डी ऑप्शन इसका ट्रू बन जाएगा ना, डी ऑप्शन विल बी ट्रू। बी ऑप्शन का मीनिंग नहीं समझ आए, बी ऑप्शन का मीनिंग मैं समझा देता हूं। अपनी जो स्टेट्स आई है ना, अकॉर्डिंग टू मी जो बी है ना वो ट्रू होना चाहिए था, क्योंकि मेरी सारी ही स्टेट्स जो है वो रिकरेंट है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी अ ट्रू ऑप्शन। इन्होंने पता नहीं क्यों गलत दे रखा, क्योंकि सारी स्टेट जब सारी स्टेट रिकरेंट होती है ना, तब आप उस मार्को चेन को बोलते हो रिकरेंट मार्को चेन। So according to me, B option is also true. ये डायग्राम गलत है कि इसको सही कर देते हैं। जीरो से आप थ्री में जा सकते हो, हाँ जा सकते हो। चलिए, मेरी गलतियां पता है क्यों आ रही है, क्योंकि मैं जीरो में एक बनाते ही मैं दूसरे को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आप जीरो से टू में जा सकते हो, टू से वापस नहीं आते, तो दिस इज रिकरेंट, सॉरी दिस इज ट्रांसिएंट। और ये रिकरेंट है ना, अब सही है ना क्या? तो ये मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है, अब सही है। ओके, आई थिंक आई शुड फिनिश दिस लेक्चर। हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट है वो पढ़ लिया है, अब हमारा लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी और स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है। उसके लिए मैं आपका एक लेक्चर और कराऊंगा, क्योंकि वो अभी आधे घंटे में कंप्लीट होगा नहीं, इट विल टेक टाइम, कम से कम 2 घंटे तो लेगा, क्योंकि मुझे उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, सो इट विल टेक टाइम। नहीं, अब भी, हाँ, अब भी गलत है ना, यस वरुण राज बताओ। हाँ वरुण राज बताओ। नहीं आप 0 से 2 में जा सकते हो बट वापस नहीं आ सकते। बट 0 से 2 में जा सकते हो तो वापस नहीं आ सकते ना, तो 2 वाला फेल करा है। मैंने नहीं बोला इफ देयर एग्जिस्ट। नहीं मैंने ये भी नहीं बोला कि देयर इज एटलीस्ट वन जे, और मैंने ये भी नहीं बोला कि फॉर सम जे। I just told कि if I goes to J, then we should come back. मैंने ये बोला। Then it should return back from all the directions. Yeah, all the ways it should return back. ठीक है ठीक है। तो नहीं ये 1 रिकरेंट नहीं होगा, 1 ट्रांसिएंट ही होगा ना, क्योंकि 1 2 पे जा रहा है, सॉरी 1 0 पे जा रहा है, 0 2 पे जा रहा है, बट ये वापस नहीं आ सकता यहाँ से। तो 0 और क्योंकि देखो 1 अगर रिकरेंट होता ना, तो अगर एक भी रिकरेंट हुआ उसकी क्लास पूरी रिकरेंट बन जाएगी, इसलिए वो नहीं हो सकता। ऐसे सोच सकते हैं। इसके असाइनमेंट की नीड नहीं है अभिषेक मिश्रा, जो मैं क्लास में पीवाईक्यू करा रहा हूँ ये इनफ है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास यहाँ तक है, मेरा मन तो मैं कल ही चाहूंगा कि मैं कल ही ले लूं, तो नेक्स्ट क्लास में इसके करेंगे ना। इसके असाइनमेंट की नीड नहीं है, बस पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओ, इनफ है। ठीक है। स्टेशनरी वाले की मैंने आपको बस डेफिनेशन बताई है और कुछ नहीं बताया। जो भी आप प्रॉब्लम ट्राई करो वहां से देखना निकाल के कि वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कल पढ़ेंगे, मीन वेरिएंस तो कल पढ़ेंगे। जो पेपर गूगल में अवेलेबल नहीं है वो प्लीज सेंड कर देना, नविता मैं कर दूंगा ठीक है, बट उसकी आंसर की नहीं है मेरे पास भी। यस ऋचा सिंह बताओ। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट देने के बाद दोबारा सॉल्व कर रहे हो ना, फिर किसी की नीड नहीं पड़ेगी। ऐसा मत करना कि टेस्ट दे दिया और पीछा छूट गया, ऐसा मत करना है ना। उसको दोबारा सॉल्व करना, एक्चुअली में असली आपको चीजें ना जब आप दोबारा सॉल्व करोगे तभी मिलेंगी। ठीक है, तो इतना इनफ है। ठीक है यस अभिषेक मंडल। अभी मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, बट जहां तक है मैं तो कल ही लेना चाहता हूँ, मतलब बट वीकेंड के अलावा मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा सा इशू है। तो अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि कल ही ले लूँ, चाहे मुझे मॉर्निंग लेना पड़े। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक टुमारो, क्योंकि अभी हो जाएगा तो कंटिन्यूएशन में आपको सही समझ में आ जाएंगी चीजें। नहीं नहीं मेरे को भी आपसे ज्यादा जल्दी है, मैं ट्राई करूंगा कि कल ही हो जाए। ओके और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ना आप लोगों को एक बुक और भेज रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, इसके लिए, ये स्पेशली मार्को चेन के लिए है। अगर आप चाहो तो यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है ओके नविता मैं बता दूंगा लेने का है ना, जल्दी सर से मैं बात कर लूं एक बार, क्योंकि सर अभी फ्री हुए नहीं है। ठीक है चलो वरुण, इसमें से ना 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, मतलब 7.75 या फिर 9.5, और ये बोनस है मतलब, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है इसमें, मतलब और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। ठीक है चलो गुड बाय। सेकेंड लेक्चर बहुत जल्दी होगा, जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगा कि कल ही ले लूं, है ना। और ट्रांजिएंट मतलब ये कि आप किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर पहुंच पा रहे हो, चाहे मल्टीपल वेज में पहुंचो या एक से एक नहीं दो से ज्यादा, दो या तीन स्टेप में पहुंचो, जितने स्टेप में पहुंचो बट वापस आ सको आप वहां से, और वो रिकरेंट होती है। और ट्रांजिएंट मतलब अगर आप एक भी ऐसी स्टेट मिल गई जहां से आप दूसरे पे जा रहे हो बट लौट के नहीं आ पा रहे हो, दैट विल बी ट्रांजिएंट। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जितना डिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या था वो खत्म हो गया है, अब एक चीज और बची है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मॉन्टे कार्लो प्रॉब्लम वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, तो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग। वी विल मीट टुमारो मोस्ट प्रोबेबली। Goodbye everyone. Thanks for joining this session. We will meet very soon. Goodbye.